very good actor. Mm. He's an excellent actor and he's doing very well in the show also. The fan following speaks for itself. Everybody loves Jordan. Mm. Everybody loves Elahi. Everybody loves Jahan. Magar har kisi ki ek specific fan following hai. Hello, hi, you're watching Tele Reporter and I'm Ursi Adi with Ravi and Mummy Ji. Saath Maujud. Hi Ravi, how are you first of all? Kaisi feel hai filhal? I'm bahut badhiya. Very, very happy to be here. Yeah. Aur Chandigarh, Kharad, Mohali to Mumbai, you are really going a lot because producing two shows now, Junooniyat aur saath saath dusra uda rahe hain abhi. To shows mein kya kuch naya aap khud input dete hain? क्रिएटिव इनपुट मेरा नहीं रहता है. क्रिएटिव इनपुट एंटायरली सरगुन का रहता है. मेरा लॉजिस्टिकल रहता है. जब सेट पे कोई ठीक काम नहीं करता है तो दैट्स व्हेन आई कम इनटू द पिक्चर. में सो आई थिंक इट्स द शोज आर ब्यूटीफुली रिटन बाय सरगुन एंड द एंटायर राइटिंग टीम एंड द एंटायर क्रिएटिव टीम एंड that's the real head and heart of the show. That's the wheel. I really know it's difficult. Lekin Sargun films mein saath-saath kar rahi hain. Nigaah Marda, Highway abhi recently ki hai. Phir writing of the shows, creative inputs, itna sab kuch kaise manage ho raha hai? Ho jata hai. I mean, ek baar aap us workflow ke andar aa jate hain. Once you are in that kind of headspace, aap I think harkat mein barkat hai. Once you're constantly busy, you keep thinking of more and more ideas. So kam waqt hamesha ek achhi nishani hoti hai. Gautam from Junooniyat to दूरियां वाला लड़का वो हो गया है फॉर नाउ डूइंग अ सॉन्ग है ना. तो डिफरेंस इन द एक्टिंग क्योंकि आपने जब चूज किया होगा तो ऑब्वियसली ही वुड बी डिफरेंट नाउ एंड ही इज डिफरेंट नाउ. सो हाउ डिफरेंट यू हैव फाउंड हिम? ही इज अ वेरी गुड एक्टर. ही इज एन एक्सीलेंट एक्टर एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन द शो ऑल्सो. द फैन फॉलोइंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एवरीबडी लव्स जॉर्डन. एवरीबडी लव्स इलाही. एवरीबडी लव्स जहान. मगर हर किसी की एक स्पेसिफिक फैन फॉलोइंग है. सो अब मुझे ये गाना अभी देखना है. अब तक मैं देख नहीं पाया हूँ. मैं जल्द देखूंगा. सो राइट नाउ आई थिंक आई एम जस्ट हैप्पी टू गो से कांग्रेचुलेशंस टू हिम. लास्टली क्योंकि बहुत कम समय है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टीवी के साथ किए हैं. यू आर डूइंग फिल्म्स, यू आर प्रोड्यूसिंग शोज. बैक टू टीवी आने का एज एन एक्टर कोई प्लान है? बिकॉज पीपल रियली वांट टू सी यू. आवर हैंड्स आर फुल. और कोई बात नहीं. आवर हैंड्स आर फुल विद प्रोडक्शन एंड द वेरियस थिंग्स दैट वी आर डूइंग एज एक्टर्स इन अदर वर्टिकल्स. सो मे बी नॉट इमीडिएटली. ओके, थैंक यू सो मच.